अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट फजल। आप देख रहे एजुकेशन ऑफिशियल। एजुकेशन ऑफिशियल में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में आपको करंट अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान अप टू डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अलावा उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपका जो भी इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू आपसे सभी यही चीज़ें पूछी जाती हैं जो करंट अफेयर्स की होती हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम वीडियो की डिटेल में। ये सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि मैंने अपने लिए भी तैयार किया है। देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही डिटेल के साथ, मीन्स के आपको ईजिली समझ भी आ जाएगा और याद भी रहेगा। तो चलते हैं हम डिटेल में। फर्स्ट हमारे पास करंट अफेयर्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको पता है पीएम ऑफ करंट पीएम ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ है। नेक्स्ट अगर हम देखें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ एलवी, और ये इसका इसके अंदर दो एमसीक्यूज मजीद बन सकते हैं कि ये कौन से नंबर पे हैं, मतलब 13th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। उसके अलावा ये कब सिलेक्टेड हुए थे, और ये 9 सितंबर 2018 को सिलेक्ट हुए थे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्पीकर्स ऑफ नेशनल असम्बली राजा परवेज अशरफ है, ठीक है, और उसके अलावा डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली जाहिद अकरम दुरानी हैं। सिमिलरली अगर आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अपोजिशन लीडर नेशनल असम्बली का राजा रियाज अहमद है, और लीडर ऑफ हाउस जो होते हैं वो हमारे पास पीएम ही होते हैं, शहबाज शरीफ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है चेयरमैन ऑफ सेनेट हमारे पास मोहम्मद साकिब संजरानी हैं, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डिप्टी चेयरमैन ऑफ सेनेट हमारे पास मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं हाउस लीडर सेनेट का, ठीक है, ये हमारे पास है आज़म नज़ीर तरार, और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अपोजिशन लीडर सेनेट का, ये हमारे पास शहजाद वसीम हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11, जो करंट हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, चीफ जस्टिस हमारे पास जस्टिस उमर अता बंदियाल है, और इसके अलावा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमें पता है जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इन तीनों में से कोई एक लाजमी पूछा जाता है, खान नियाजी हैं। और इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 14 है चीफ ऑफ एयर स्टाफ मोहम्मद बंदाल सिद्धू है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास चीफ जॉइंट स्टाफ कमेटी हमारे पास जनरल नदीम रज़ा है, और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 है आईएसपीआर जो हमारे पास है मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है चेयरमैन ऑफ नैब हमारे पास, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेयरमैन नैब हो गए, चेयरमैन एफपीआर हो गए, इनमें से भी कोई एक अद क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है। चीफ जस्टिस जस्टिस जावेद इकबाल है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास चेयरमैन ऑफ एफपीआर आसिम अहमद हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद हैं, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल हमारे पास नदीम अंजुम हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेसिडेंट और गवर्नर या प्रेसिडेंट दोनों कोई भी पूछा जा सकता है ऑफ एजे के, ये सुल्तान महमूद चौधरी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पीएम या सीएम ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है नेक्स्ट हम कह रहे थे स्पीकर ऑफ एजे के, स्पीकर हमारे पास चौधरी अनवारुल हक हैं। डिप्टी स्पीकर ऑफ एजे के असेंबली चौधरी रियाज गुज्जर, लीडर ऑफ हाउस एजे के सरदार तनवीर इलियास ही है जो कि पीएम भी कहलाते हैं, ठीक है, और गवर्नर भी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 अपोजिशन लीडर हमारे पास चौधरी लतीफ़ अकबर हैं, और सीएम ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ये सीएम और ये गवर्नर जो होते हैं किसी भी ज़िले के, ये आपको मस्ट याद होना चाहिए क्योंकि ये करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इन्हीं में से अक्सर पूछते हैं। अब चेयरमैन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान हमारे पास है खालिद खुर्शीद, और करंट गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान हमारे पास है राजा जलाल हुसैन मकबून, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चेयरमैन ऑफ पंजाब चौधरी परवेज इलाही, और सिमिलरली गवर्नर ऑफ पंजाब जो हैं मोहम्मद बलीगुर रहमान। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 31st स्पीकर ऑफ पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही हैं, और
डिप्टी स्पीकर हमारे पास दोस्त मोहम्मद मजारी हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सीएम चेयरमैन ऑफ सिंध मुराद अली शाह, और गवर्नर ऑफ सिंध जो हमारे पास हैं गवर्नर नसरीन जलील हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पीकर ऑफ सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी, और डिप्टी स्पीकर रेहाना लगारी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है चेयरमैन ऑफ केपीके महमूद खान है, और गवर्नर ऑफ केपीके शाह फरमान है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पीकर ऑफ केपी असेंबली मुश्ताक अहमद गनी, और डिप्टी स्पीकर ऑफ केपी जो हमारे पास है केपी असेंबली का महमूद जान है। नेक्स्ट हमारे पास रहता है चेयरमैन ऑफ बलूचिस्तान मीर अब्दुल कदूस बजिंजो है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान सैयद जहूर आगा। ठीक है, सैयद जहूर आगा हमारे पास गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान है, और स्पीकर ऑफ बलूचिस्तान अगर हम देखें तो मीर जान मोहम्मद जमाली है, और डिप्टी स्पीकर हमारे पास बलूचिस्तान के सरदार बाबर मूसा खेल हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिफेंस मिनिस्टर 45 क्वेश्चन हमारे पास है। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ हैं, और करंट फॉरेन मिनिस्टर हमारे पास पता है बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि सब जानते हैं जब ज़्यादा पानी आता है तो ज़्यादा बारिश होता है तो ज़्यादा पानी आता है। सिमिलरली नेक्स्ट अगर हम देखें तो फाइनेंस मिनिस्टर हमारे पास मुफ्ता इस्माइल हैं। ठीक है, और डिफेंस प्रोडक्शन जो हैं मिनिस्टर जिनके वो हमारे पास मोहम्मद इसरार तरीन हैं। नेक्स्ट हमारे पास इधर फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग के जो मिनिस्टर हैं वो राणा तनवीर हुसैन हैं, और नेक्स्ट हमारे पास एविएशन डिवीजन के जो मिनिस्टर हैं हमारे पास ख्वाजा साद रफीक हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट 50 करंट अफेयर्स थे, और जस्ट 50 मोर हैं हमारे पास। ठीक है, तो आपने ये सभी करने हैं, आपने एंड तक नेक्स्ट स्लाइड को भी देखना है। जस्ट 100 करंट अफेयर्स हैं, जिसमें जिसके अलावा कोई आपका बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, जो भी होगा इन्हीं में से क्वेश्चन होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट स्लाइड्स का भी इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको शेयर करूंगा इसके बाद, तो आपने साथ रहना है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।